पलामू जिले के तरहसी प्रखंड परिसर में आज स्थापना दिवस को लेकर बिसरा मुंडा के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। मौके पर तरहसी प्रमुख सह पंचायत समिति महासंघ के अध्यक्ष अमोक प्रियदर्शी, प्रखंड विकास पदाधिकारी सचिदानंद महंतो, अंचलाधिकारी केदारनाथ सिंह तरहसी, थाना प्रभारी कर्मपाल भगत सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर लोगों को बताया कि झारखंड राज्य आज अलग हुए 21 वर्ष हो चुके हैं, जो कि झारखंड राज्य के लिए बिरसा मुंडा का एक बहुत ही महत्व है, जिससे सभी लोगों में इसका आज पहचान बनी हुई है। बिरसा मुंडा जनजाति आंदोलनों में सबसे व्यापक, प्रमुख और संगठित बिरसा आंदोलन। इस आंदोलन का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। ऐसे ही लोगों को बिरसा मुंडा की कई भूमिका और उनके कार्यकाल को लोगों के सामने रखा गया। तरहसी प्रमुख सह पंचायत समिति महासंघ के अध्यक्ष अमोक प्रियदर्शी ने 15वें वित्त आयोग से बना कई योजनाओं का आज झारखंड स्थापना दिवस के दिन ही उद्घाटन भी किया। जैसे तरहसी प्रखंड परिसर में बना चबूतरा निर्माण, बाजार परिसर में बना चबूतरा निर्माण, तरहसी थाना परिसर में पेवर ब्लॉक निर्माण का विधिवत फीता काट कर उद्घाटन किया गया। इस मौके पर तरहसी प्रमुख ने कहा कि हम लोग यहां के बीडीओ साहब, सीओ और कई अधिकारी लोगों ने चाहते हैं कि इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो एवं विकास के मामले में जो बाधाएं आ रही हैं उसे निश्चित तौर पर सुलझाया जाए। स्थापना दिवस को लेकर अमूक प्रियदर्शी ने कहा कि यहां के बड़े बुजुर्ग लोगों एवं पूर्वजों की यही सपना था कि झारखंड राज्य अलग हो, लेकिन आज अलग झारखंड राज्य होकर 21 सालों में जो विकास के क्षेत्र में आगे निकला, आज हम लोग चाहते हैं कि झारखंड राज्य का और तेजी से विकास हो ताकि यहां के लोगों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं झेलनी पड़े। मौके पर बीजेपी नरेगा मनरेगा के कर्मी, तरहसी पश्चिमी जिला पार्षद प्रत्याशी अनिल सिंह, भाजपा नेता विजय तिवारी सहित कुछ लोग मौजूद रहे। इसका जो आप उद्घाटन किया फीता काट कर या फिर कई जगह आप उद्घाटन किए, क्या कौन सी योजना से काम? आज बिरसा मुंडा जी के जो जयंती के शुभ अवसर पर और झारखंड स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर आज हम लोग 15वें वित्त आयोग से बने हुए विभिन्न योजनाओं का आज हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं, जिसमें हमारे तरहसी प्रखंड परिसर ब्लॉक के अंदर हमारे एक चबूतरा का निर्माण हुआ था, जिसका मैंने आज हम BDO साहब और हमारे CEO, हमारे जितने भी जनप्रतिनिधिगण, हमारे पंचायत समिति और हमारे जितने भी ब्लॉक के स्टाफ, सारे लोग इसमें आज हम लोग मौजूद थे। थाना परिसर में हम लोगों ने फेवर ब्लॉक का बनाने का काम किया है, उसका भी हम लोगों ने उद्घाटन किया। तरहसी बाज़ार परिसर पे हम लोगों ने वहाँ पे एक चबूतरा का जीर्णोद्धार करवाया है, उसका भी हम लोगों ने आज उद्घाटन किया है। और बहुत सारी योजनाओं पर अभी 15वें वित्त के तहत सारे बहुत जगह काम चल रहा है, विभिन्न पंचायतों में काम चल रहे हैं। विगत 5 से 6 दिनों में सारे योजनाओं का हम लोग उद्घाटन करने का कार्य करेंगे। स्थापना दिवस के अवसर पर आप और कुछ लोगों को क्या? स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मैं यही कहना चाहता हूँ, और ख़ासकर आज बिरसा मुंडा जी का जयंती के शुभ अवसर पर ही हमारे झारखंड राज्य की स्थापना की गई थी, और आज का दिन बहुत ही शुभ है खासकर झारखंड वासियों के लिए, कि जो हमारे यहाँ के पूर्वज, यहाँ के जितने भी लोगों ने, हमारे सामाजिक लोगों ने झारखंड अलग होने का एक सपना देखा था और झारखंड का विकास का सपना देखा था, आज लगता है कि वो 21 सालों में आज हमारा झारखंड एक नौजवान स्थिति में आज हम लोग पहुँच चुके हैं। आज 21 सालों में झारखंड का हम लोग सर्वांगीण विकास करने की ओर अग्रसर हैं। झारखंड की सरकार, गरीबों की सरकार, जो यहाँ की दर्द को समझे, जो यहाँ की गांव स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर जो आदिवासी भाई बहन, दलित भाई बहन, जो पिछड़ा हैं, जो जनरल कास्ट में भी अति पिछड़े लोग हैं, उन लोगों को जो दर्द को समझे, वही हमारे असली समाज की स्थापना हो सकता है। और हम लोग हेमंत सोरेन जी से यही मांग करते हैं कि जो आने वाला दिन में जो भी हम लोग पंचायत स्तर से जो हम लोग काम करते हैं, जो प्रमुख, मैं तरहसी का प्रमुख होने के नाते ये मांग मैं करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, हेमंत सोरेन सर से, कि जो हम लोग योजनाएं करते हैं तो बहुत सारी योजनाएं 2.5 लाख तक का ही स्कीम हम लोग कर पाते हैं, जो बड़ा योजना हम लोग करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। जैसे मान लिया कि अभी एक पुलिया का निर्माण कराना है जो दो गांवों को जोड़ने का चीज़ है, लेकिन होता क्या है कि जो छोटा स्कीम लेना है, 2.5 लाख से नीचे का स्कीम लेना है, अगर हमको वो 5 लाख तक का बढ़ जाता पंचायत समिति प्रमुख के माध्यम से भी, तो हम लोग 5 लाख तक का भी काम करने का काम करेंगे, जिससे दो गांवों को, दो पंचायतों को जोड़ने का भी हम लोग इस स्तर पर काम कर सकते हैं। आने वाला दिन में अभी तरहसी प्रखंड जो हमने स्वर्गीय विकास की ओर हम लोग अपना कदम बढ़ा चले हैं, यहाँ के हमारे जितने पदाधिकारीगण, BDO, यहाँ के हमारे CEO। R9 भारत से सीताराम सोनी की रिपोर्ट।
नेशनल संथाल लिबरेशन आर्मी सक्रिय सदस्य बिमल मराड़ी को पुलिस ने गिरफ्तारी कर बड़ी सफलता हासिल की। हम बात करते हैं कि विगत वर्ष बोरियो थाना क्षेत्र के मोती पहाड़ी के अरुण शाह का फिरौती के लिए अपहरण कर हत्या के मामले और बरहेट थाने के पुलिस एएसआई चंद्रयाना सोरेन के हत्याकांड में वांछित फरार अभियुक्त को गुप्त सूचना के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रदीप उराव के नेतृत्व में छापेमारी दल की गठित कर मिर्जा चौकी के क्षेत्राधिक ग्राम बच्चा से धर दबोचा। वहीं अभियुक्त बिमल मराड़ी ने अरुण शाह का अपहरण एवं पुलिस चंद्राया सोरेन की हत्याकांड के अतिरिक्त अन्य कई कांडों में अपनी संलिप्त स्वीकार की। इसकी जानकारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रदीप उराव ने प्रेस वार्ता में दी। सूचना मिली कि बरहेट थाना कांड संख्या 100/20 के फरार बिमल मराड़ी बरहेट थाना अंतर्गत पेठासा फुटबॉल देखने के लिए आया है और इसी सूचना के क्रम में एसपी सर के द्वारा एक टीम का गठन किया गया और टीम में सभी पदाधिकारी और पुलिस कर्मी बहुत चतुराई से अपना कोऑर्डिनेशन करते हुए अभियुक्त बिमल मराड़ी को विधिवत रूप से गिरफ्तारी की गई। यहां उल्लेखनीय है कि बिमल मराड़ी पूर्व में भी एक चर्चित अपहरण कांड में अरुण शाह के ईमेल लोग अपहरण करके ले गया था। उसी क्रम में तत्कालीन बरहेट थाना प्रभारी और सानी चंद्राय सोरेन वहाँ पर गए थे और उसी क्रम में फायरिंग हुई थी और चंद्राय सोरेन को गोली लगी थी जिसमें चंद्राय सोरेन का कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि बिमल मराड़ी नेशनल संथाल लिबरेशन का सक्रिय एक्टिव मेंबर था जो पकड़ा गया और इन पर पूर्व में भी 5 केस है जिसमें गोड्डा जिला में है और सभी टीम में पदाधिकारी और पुलिसकर्मी अपनी साहस का परिचय देते हुए इनको विधिवत रूप से गिरफ्तारी की गई।